अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड चाट मसाला, जिसे घर में तैयार करना बहुत ही आसान है और स्टोर बॉट चाट मसाले से ये कहीं ज़्यादा बेहतर होता है टेस्ट में। तो रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ानों में हर घर की ज़रूरत होता है चाट मसाला, तो क्यों ना हम फ्रेश चाट मसाला घर में तैयार करें, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी को। सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर, 1 टेबल स्पून खटाई पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून काला नमक, 1 टीस्पून चीनी, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 2 से 3 अदद हरी इलायची, 6 से 7 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून टाटरी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। हमारा चाट मसाला ग्राइंड हो चुका है, ये देखें बिल्कुल फाइन सा पाउडर हमने तैयार कर लिया है इसका। अब इसे एक बाउल में निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा चाट मसाला बनके हमारा तैयार हुआ है। ये तकरीबन 250 ग्राम तक है, आप चाहें तो इसे डबल क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। आप इस चाट मसाले को 2 से 3 महीने तक किसी भी एयर टाइट बोतल में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार से चाट मसाला लेना भूल जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।